ऐतिहासिक ढालपुर क्रिकेट मैदान में 3 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन हिमाचल प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रसिद्ध बागवान एवं अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस विजेता नकुल खुल्लर ने किया। इस प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और 30 ओवरों में उत्तराखंड को 205 रनों का लक्ष्य रखा। हिमाचल की ओर से अनिल ने सबसे अधिक 49 रन बनाए और रमेश कैथ ने 46 रन बटोरे। उत्तराखंड की तरफ से तुषार ने 3 विकेट लिए। वहीं जब उत्तराखंड ने बल्लेबाजी शुरू की तो लक्ष्य का पीछा करते हुए 103 रनों पर ऑल आउट हुए। इस दौरान उत्तराखंड के खिलाड़ी दिलीप ने 17 रन और संदीप ने 15 रन मारे। हिमाचल की तरफ से नीरज सैनी ने 4 विकेट लिए और निहाल ने 2 विकेट झटके। मैन ऑफ द मैच का खिताब नीरज सैनी ने जीता। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नकुल खुल्लर ने हिमाचल दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है और दिव्यांगों के हुनर व प्रतिभाओं को तराशना काबिले तारीफ है। उन्होंने दोनों टीमों को बधाई देते हुए कहा कि हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं और खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग हमारे समाज का हिस्सा हैं और समाज को खुशी होनी चाहिए कि इस तरह की प्रतिभाएं हर क्षेत्र में नाम कमा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को दिव्यांगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, उत्तराखंड के मैनेजर संदीप चौधरी, गुरमीत धीमान, बकीसान नेगी आदि उपस्थित रहे। PLTP के लिए कुल्लू से ब्यूरो रिपोर्ट।